वी हैव अनदर थिंग टू बी डिस्कस्ड। और यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस पे हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्प्रिंग कांस्टेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि सॉलिड्स पर बेस्ड होती है। और यहाँ पे अगर मैं एक बात करूँ, एक सिंपल सी बात करूँ कि आपके पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के दोनों पॉइंट्स हैं, और अगर मैं स्प्रिंग पर फोर्स लगा के इसको खींचता स्ट्रेच करता हूं तो क्या हो, ऑब्वियस बात है इसकी लेंथ इंक्रीज हो। यहां तो बड़ी सिंपल सब चीज है कि आप जितना ज्यादा चेंज लाने की कोशिश करेंगे, फोर्स आप उतनी ही ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा चेंज है उतनी ज्यादा फोर्स, दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स। और अगर यहाँ पे k टाइम्स x है तो ये k इज इक्वल टू f अपॉन x, x यहाँ पर चेंज इन लेंथ। तो डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन डिवाइड बाय x, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ये l हो जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज एम पी माइनस टू। नाउ वी हैव समथिंग एल्स, और ये समथिंग एल्स है सरफेस टेंशन। तो अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। अब अकॉर्डिंग टू दिस द सरफेस ऑफ द लिक्विड, सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव्स एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। अब कोई चीज अगर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है तो ये होगा कि वो सरफेस एक तरीके से रबर की शीट के तरह बिहेव करेगा, ये प्रॉपर्टी होती है। अब इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, एस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां पे एस का डायमेंशन अगर निकालेंगे तो फोर्स का डायमेंशन डिवाइड कर दीजिए, आपको फिर से वही चीज मिलेगी जो आपने के का निकाला। के का डायमेंशन फॉर्मूला और सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला सेम, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला जो होते हैं वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम यह है कि डायमेंशन फॉर्मूला कोई एक यूनिक फॉर्मूला नहीं, इट इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट। ठीक है, चलो।